दोस्तों, एक रॉकेट अपने वजन का 90% फ्यूल से भरा होता है, जिसमें ये 5,500 पाउंड पर सेकंड का फ्यूल कंज्यूम करता है और हर 160 सेकंड में ये 116 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और रॉकेट में सिर्फ 10% वजन उन चीज़ों का होता है जो हमें स्पेस में लेकर जानी होती हैं। अब फ्यूल को कम करने और ज़्यादा चीज़ों को स्पेस में लेकर जाने के लिए स्पिन लॉन्च कंपनी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे रॉकेट फ्यूल के बगैर ही स्पेस में चला जाता है, जिसका पहला टेस्ट 2022 में हुआ था। असल में इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले इसे कैप्सूल के अंदर रखकर एक वैक्यूम चैम्बर में लाया जाता है, जहाँ उसे रोटेटिंग आर्म के साथ अटैच किया जाता है, जिसे टीथर कहते हैं। ये टीथर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके रॉकेट को बहुत तेज़ी से स्पिन करता है, जहां इसकी स्पीड 8,000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर उसके बाद रॉकेट को स्पेस की तरफ छोड़ दिया जाता है, जो कि 72 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ट्रेवल करता है। और बहुत ऊपर जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये फ्यूल का इस्तेमाल करके सीधा स्पेस में पहुँच जाता है और अपना मिशन सक्सेसफुली करके ये दोबारा पैराशूट के जरिए ज़मीन पर वापस आ जाता है, जहां इसे रीयूज़ करके फिर स्पेस में भेजा जा सकता है। वैसे गाइज, ये रॉकेट 10 टन वजनी और 50 मीटर लंबाई में हो सकता है और जहां इसे स्पिन किया जाता है उस बिल्डिंग का रेडियस 45 मीटर तक का है, जहाँ इसके टीथर को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, जो कि स्टील से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। गाइज, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ऐसी और जानकारी के लिए।